मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा के रशीद कंपाउंड बरकत पार्क सोसाइटी में रास्ते को लेकर विवाद एक बार फिर शुरू हो गया है। कल कुछ महिलाएं रास्ता खोलने को लेकर यहां पर नारेबाजी कर रही थी। हालांकि ये खबर हमने आपको करीब एक साल पहले भी दिखाई थी, क्योंकि यहाँ पर रास्ते के विवाद को लेकर एक साल पहले भी यहाँ काफ़ी हंगामा हुआ था और उस वक्त भी बरकत पार्क सोसाइटी ने यहाँ पर रास्ता देने से इनकार कर दिया था। लेकिन आज फिर इस पूरे मामले को लेकर बरकत पार्क सोसाइटी के जॉइंट सेक्रेटरी इम्तियाज शेख और ट्रेजर गयासुद्दीन शेख और अन्य तमाम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा और यहाँ पर बताया कि बरकत पार्क सोसाइटी का जो रास्ते का विवाद है, यहाँ पर ये ज़मीन जो है ये इनकी अपनी ज़मीन है और यहाँ से ये किसी भी तरह से रास्ता देने के लिए राजी नहीं है। आपको बता दें कि ये रास्ते का जो पूरा विवाद है, दरअसल यहाँ पर रहमत चाल है और इकबाल चाल है और गुलमोहर चाल है, इसे अन्य चाल कई चालें हैं और कई इमारतें भी हैं। यहाँ के लोग जो है बरकत पार्क सोसाइटी से आने जाने का रास्ता मांग रहे हैं, लेकिन रास्ता ना देते हुए जो है ये अपनी पूरी ज़मीन की जो है घेराबंदी कर लिया गया है। जो बिल्डर है उनका नाम बताया जा रहा है कलीम शरीफ, इन्होंने अपने पूरी ज़मीन की घेराबंदी करके रास्ता बंद कर दिया है और बरकत पार्क सोसाइटी की तरफ से रास्ता देने से साफ इनकार कर दिया गया है, क्योंकि बरकत पार्क सोसाइटी के जॉइंट सेक्रेटरी इम्तियाज शेख का कहना है कि ये उनकी जो है अपनी जगह है, इसलिए ये जो है दीवार यहाँ पर बनाई गई थी। लेकिन कई साल पहले ही यहाँ पर जो पीछे जो चाल के लोग हैं, इन लोगों ने दीवार तोड़ दिया था और इसी रास्ते से वो आते जाते थे, लेकिन उसके बाद फिर जो है ये दीवार उन्होंने बनाकर फिर चारों तरफ से पत्रे और दीवार के ज़रिए अपनी ज़मीन की घेराबंदी कर ली है। लेकिन पुराना रास्ता बताकर जो है यहाँ से रास्ता मांगा जा रहा है और बरकत पार्क सोसाइटी की तरफ से साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि यहाँ से रास्ता नहीं दिया जाएगा। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर कल जब महिलाएं वहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रही थी, उस वक्त महिलाओं ने आरोप लगाया था कि बिल्डर के एक साथी जिनका नाम फहद है, इन्होंने महिलाओं को धक्का दिया था। जब ये सवाल पूछा गया तो बताया गया कि दीवार के उस पार महिलाएं थीं और जो है इस पार फहद थे, और इसकी एक वीडियो भी दिखाई गई कि महिलाएं दीवार के उस तरफ दिखाई दे रही हैं और फहद जो है दीवार के इस तरफ थे। इसलिए इनके तरफ से कहा गया है कि कोई भी किसी महिला को धक्का नहीं दिया गया था। ये जो आरोप लगाया जा रहा है ये पूरे तरीके से गलत है। हालांकि यहाँ पर कुछ पत्थर फेंकने लगे थे लोग, और पत्थर फेंकने के बाद जो है फहद ने जो गार्ड था, सिक्योरिटी गार्ड, उनसे कहकर 100 नंबर पर कॉल करके यहाँ पर पुलिस को भी बुलाया गया था। लेकिन सब मिला जुला कर बरकत पार्क सोसाइटी और बिल्डर के तरफ से यही बताया जा रहा है कि पुराना रास्ता बताकर जिस तरह से प्रेशर दिया जा रहा है कि यहाँ से बरकत पार्क सोसाइटी से रास्ता दिया जाए, तो ये यहाँ से रास्ता बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। और इस पूरे मामले को लेकर बिल्डर की तरफ से जो है और सोसाइटी की तरफ से मुमरा पुलिस स्टेशन में इस संबंध में शिकायत भी कराई गई है। आज हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में बरकत पार्क सोसाइटी के जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं इम्तियाज शेख और ट्रेजर गयासुद्दीन शेख ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा है, आपको सुना दें। क्या नाम है सर आपका? जी मेरा नाम इम्तियाज शेख है। अच्छा, पीछे जो चालियाँ हैं यहाँ से कुछ लोग ने कल जो है कुछ विरोध प्रदर्शन किया और उनका कहना ऐसा है कि यहाँ से रास्ता था उनका जाने के लिए, अब यहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट का काम शुरू किया गया है, तो दरअसल ये पूरे रास्ते का क्या मामला है, इसकी खबरें पहले भी हालांकि ऑलरेडी चल चुकी है, लेकिन क्या डिटेल है इसके बारे में आप विस्तार से बताइए। जी पहले तो ये बता दूँ कि ये हमारी बरकत पार्क सोसाइटी जो लिमिटेड जो हमारी रजिस्टर्ड सोसाइटी है, ये हम इसमें जो चारों विंग है, इसमें ए बी सी डी चार विंग है और हम लोग इतने सालों से समझ लो 30 साल तो हमारी बिल्डिंग को बन के हो गया है और उनका जो बना है वो 10-12 साल हुआ होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 15 साल हुआ होगा। और हम लोग ने बीच में जब दीवार हमारी पूरी हदबंदी की हुई गई थी और बीच में क्या हो गया, कुछ लोगों ने ना दीवार तोड़ दिए और बैतुल नसर की जो प्रॉपर्टी थी है तो बैतुल नसर बैंक बंद हो गई थी बीच में, तो कोई ध्यान देने वाला उस वक्त था नहीं। तो उस वक्त क्या हो गया कि दीवार की बाउंड्री जब टूट गई तो वो कुछ वो बनाने के लिए कोई उस वक्त आया नहीं और वैसे ही रह गई, तो लोगों का आना जाना वहाँ से थोड़े दिन के लिए शुरू हो गया।
और अब हम लोग क्या चाह रहे हैं कि हमारा रीडेवलपमेंट हो जाए, और इसकी वजह से हम लोग अपनी हदबंदी करना ज़रूरी है हमारी। हम लोग इसके लिए हमारी हदबंदी करने के लिए हमारे जो लैंडलॉर्ड है, हम लोग सब साथ में मिल के हदबंदी कर रहे हैं। हम लोग ने आगे गेट भी लगा दिया, इससे पहले भी हम लोग ने इंटरव्यू वगैरह दिए थे, उसमें सब बताया आपको, गेट वगैरह भी दिखाए थे कि उस वक्त जब काम शुरू हुआ था हमारा। तो ये हदबंदी करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम लोग ये रीडेवलपमेंट करने के लिए जाएंगे तो डंपर वगैरह गाड़ी वगैरह आएगी, कोई हादसा ना हो, उसके लिए कोई जिम्मेदारी किसी की तो बनती है ना। तो इसके लिए हम लोग ने ये हदबंदी किए थे। अच्छा, ये रास्ता जो है इसको कुछ कई साल पहले जो है मनपा अधिकारी ने भी इसको खुलवा कर दिया था कि ये रास्ता, उनको इल्म नहीं था उनको उसके बारे में। बाद में जब पेपर वगैरह हम लोग ने जाके दिखाया, उनको सब हुआ, तो फिर उन्होंने हम लोग को इजाज़त दी है कि वापस से तुम अपनी दीवार खड़ी कर लो। अच्छा, ऐसा बताया यार कि यहाँ पर ये रास्ता जो है सालों से था, स्ट्रीट लाइट वगैरह लगी हुई है, तो यहाँ दोनों तरफ जो बिल्डिंगें थी, तो ये स्ट्रीट लाइट किसने लगवा, क्या मनपा की तरफ से लगाई गई थी, किसके तरफ से? अगर हम लोग यहाँ पर रहते हैं तो जाहिर सी बात है हमारी भी गाड़ी कार बाइक वगैरह रिक्शा वगैरह आती है, तो ये हमारी सहूलत के लिए मनपा नहीं लगाई है और हमारी सहूलत के लिए लगाई है। अगर हम क्या अंधेरे में रहेंगे? अब उनको ये तो समझना चाहिए कि उनके भी पीछे किधर पे भी गलियों कूचे में भी तो मनपा लगाती है ना, तो उस तरह हमारी फैसिलिटी के लिए लगाई है ना। जो पीछे बाउंड्री दीवार है वो किसने बनवाया था दीवार? वो हमने बनवाए है, बरकत पार्क सोसाइटी, बरकत अच्छा। पार्क की तरफ से ही बनी है, उसको हदबंदी करना जरूरी है। तो आते जाते थे यहाँ से वो लोग? नहीं, कुछ दिनों के लिए जब टूट गया था तब वो जाते जाते थे, फिर उसके बाद जब हदबंदी करना जरूरी है, हमको रीडेवलपमेंट में जाना है, हमारी बिल्डिंग भी धोखादायक हो गई है, हमको चारों विंग को रीडेवलपमेंट करना है। अब उसके लिए हम लोग को लीगल तरीके से जाना है। अब उन लोगों का तो कैसा है, जीपी बिल्डर को पकड़ के उन लोग अपना जीपी बिल्डिंग बनाने का है उन लोगों को, तो उन लोगों को रीडेवलपमेंट के लिए जब आ रहे हैं। आपके जमीन जो है ये आपके नक्शे में है, 7-12 पे हमारे पास है, सब बता सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये मतलब जो रास्ता है तो ये आगे तक गया हुआ है कि बस यहीं तक? बस यहीं तक है, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है सर। रास्ता नहीं, ये हमारा आंगन है। अच्छा, ये रास्ता नहीं है हमारा, ABCD का ये आंगन है। अच्छा, ये हमारे प्लॉट पर का आंगन है, ये नक्शे से इस तरह से पहले का बना हुआ है। मतलब ये बरकत पार्क कंपाउंड है, कंपाउंड बाउंड्री चारों तरफ बाउंड्री और चारों तरफ ये था। क्या इसके जो है नक्शा वगैरह? जी मैं बता रहा हूँ, देखिए ये देखो ये नक्शा है हमारा, और यहाँ पर आप देख रहे हैं इकबाल कॉलोनी है, इकबाल कॉलोनी, और ये जो लाल लकीर देख रहे हैं ना, ये हमारी जमीन के अंदर इतनी जमीन और आ गई है उनकी, बरकत पार्क में ये इकबाल कॉलोनी इतनी आ गई है अंदर। 5 घंटा हमारा जगह इकबाल कॉलोनी में घुसा हुआ है। बिल्डिंग बनने के बावजूद हमने छोड़ दिया, उसके बाद हदबंदी कर लिया हमने अपना। हमारा TMC में प्रोविजन है कि मतलब आप बाउंड्री कीजिए, उसके बाद बनाने की परमिशन मिलेगी, तो हम तो लीगल काम कर रहे हैं। यानी ये जमीन आपकी है? जी हाँ, हमारी है। अच्छा, कुछ महिलाओं का ऐसा भी आरोप था कि कुछ जब यहाँ पर आई थी रास्ता खुलवाने के लिए कल या परसों जब भी, तो उस टाइम किसी बिल्डर से, आप लोगों के जो सहयोगी हैं बिल्डर, उन लोगों में कुछ धक्का मुक्की हुई थी, महिलाओं को धक्का मारा गया था, ऐसी बात हुई थी? नहीं, ये बुनियाद बात और झूठ है। वो दीवार के पीछे थे और ये दीवार के पीछे थे, ये तो कहीं गए नहीं दीवार फान करके, दीवार के बाजू मतलब इस दीवार से उस दीवार के पीछे की बात हो रही है। वो क्या है, पीछे चाली के पीछे कोई दलाल बैठा हुआ है जिसका नाम चांद है, और वो दलाल जो बैठा हुआ है उसने औरत बच्चे को इकट्ठा करके लोगों को अटैक करने के लिए भेजा, पत्थरबाजी करने के लिए कि पत्थर चलाओ, टीने तोड़ो, पत्थरे तोड़ो, दीवार तोड़ो, बाकी हम देख लेंगे। और कुछ पॉलिटिकल लोग का इन लोग के पीछे हाथ है, और कोई बात पीछे GP का काम चालू है, तो ये रास्ता बता के लोगों को माल बेच रहे हैं, और बाकी कोई मुद्दा नहीं है हमारा। हम तो लीगल बिल्डिंग बना रहे हैं, हमारा लीगल बनने वाला है। उसके पीछे कुछ अवैध इमारत बन रही है? अवैध इमारत बन रही है पीछे, अवैध इमारत बन रही है, काम चालू है, काम चालू है, और वो बेचने के लिए रास्ता दिखा दे रहे हैं, काम चालू होने वाला है, ये रास्ता दिखा रहे हैं इसके लिए, मतलब के वो ये सब नौटंकी है, बाकी और कोई बात ही नहीं है। हम लोग का TMC का मतलब जो अवैध इमारत बना रहे हैं बिल्डर, वो रास्ता ये बता रहे हैं और ये बता के बेच रहे हैं, और ये रास्ता है नहीं, और ये चांद जो है दलाल है, इसके पीछे सब लोग और लगे हुए हैं, चांद जो है दलाल है वहाँ का बेचने वाला, उसको जो बिकते हैं और जो भाड़े पे जाते हैं वो यही रास्ता दिखा के जाते हैं, रेंटर में आता है। अच्छी वैसे हमारी जगह को जब रास्ता हो गया था, टूट गया था, तो लोगों ने उसको ज्यादा ही तोड़ दिए, आना जाना किए, लेकिन आना जाना कैसे था,
जब तक रास्ता खुला था आते जाते थे, और यहाँ पर लाकर गाड़ियाँ खड़ा करना, जो भी झगड़े होते यहीं पर होते हैं, मार धाड़, फिर नाम लिखते किसका बरकत पार का, पीना खाना सब कुछ हम कब तक बर्दाश्त करेंगे। जब ये बिल्डिंग का मतलब काम हो रहा है, हमने सबसे पहले बोले हम हमारी बाउंड्री जो पहले थी वो अब हम उठा लेंगे, तो हमने हमारी जगह को हमने दीवार जब तोड़ गई थी तो नए सिरे से हमने बनाए ना, तो हमने कौन सा गुनाह किए, हम क्यों देंगे। आप खुद देखो ना, यहाँ से कोई रास्ता आपको दिख रहा है? कचरे का ढेर हमारी जगह पे डाला जा रहा है। अभी जो कचरा डाला गया है सब वो हमारी कचरा बरकत पार्क का है कि वो इकबाल कॉलोनी का है? इकबाल कॉलोनी, अहमद चाल, गुलमोहर चाल, सब पीछे से लोग क्या कर रहे हैं, दीवार से फेंक रहे इधर पे, ये साइड आप तो देख रहे हो, यहाँ पे पतरा लगा हुआ है, हम तो फेंकने जाएंगे नहीं, हमारे लिए घंटा गाड़ी आ रही है, वो भी हम नाके पे जाना पड़ता है, अब उनको घर तक चाहिए उनको घंटा गाड़ी, हम लोग भी तो जा रहे हैं ना घंटा गाड़ी में कचरा फेंकने के लिए। अगर बरकत पार्क अगर कचरा गिरेगा भी ना तो वहाँ गिरेगा जो वहाँ पे खाली। अच्छा, इस पूरे मामले को लेकर आप लोग मुंब्रा पुलिस स्टेशन भी गए थे क्या? जी जी, कंप्लेन करके आए हैं। क्या FIR वगैरह है? जी नहीं, ANC क्या है? यही है, मतलब राइटिंग में कंप्लेन दिया है जी, ये हमारी सोसाइटी की तरफ से भी हमने लेटर दिया है, ये हमारा सोसाइटी का लेटर है, सोसाइटी का लेटर दिया है और NC का ये बैठ गई।